हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील शास्त्री फ्रॉम फेथ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर वन, द लॉस्ट चाइल्ड के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले अगर आपने इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम समझ लेते हैं चैप्टर में होता क्या है। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने के लिए जाता है। तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है, ओवर एक्साइटेड होता है, मेले में बहुत सारी चीज़ें देखता है और वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो अपने पेरेंट्स से उनको पाने की इच्छा रखता है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो मना कर देते हैं। फिर बाद में जब बच्चा खो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा रोता है, चिल्लाता है, अपने पेरेंट्स को ढूंढता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको कहीं नहीं मिलते हैं। तो एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं, वो उसको शांत कराने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसको ऑफर करते हैं, लेकिन जो बच्चा होता है वो मना कर देता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाट डज ही लैग बिहाइंड। मतलब उसने रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें देखी, मतलब बच्चा मेला जा रहा था तो कौन कौन सी चीज़ें उसने मेले में देखी। और जो बच्चा है, मतलब जब मेले में चीज़ें देखता होता है तो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो वहीं रुक जाता है। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो आगे निकल जाते हैं और बच्चा जो होता है पीछे रह जाता है, ठीक है। चलिए, द चाइल्ड सॉ मैनी थिंग्स ऑन हिज वे टू द फेयर, ही गॉट फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स। तो दुकानों में क्या होता है, खिलौने वगैरह लगे हुए होते हैं, तो उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ। आफ्टर दैट ही सॉ अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, तो एक सरसों का खेत देखता है। देन ही फॉलोड अ ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज एंड ड्रैगन फ्लाइज एंड ट्राई टू कैच देम। तो उस सरसों के फूल में बटरफ्लाइज होती हैं, ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, बीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको वो पकड़ने की कोशिश करता है। आफ्टर दैट ही गेट अट्रैक्ट बाय अ लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म अलॉन्ग द फुटपाथ। उसके बाद फिर जब वो फुटपाथ पर चलता है तो वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो उनको भी पकड़ने की कोशिश करता है। मीन वाइल हिज पेरेंट्स कीप कॉलिंग हिम हरी अप। तो उस मतलब जो पीछे रह जाता है बच्चा, तो फिर उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको बुलाते हैं। एज ही एंटर्ड द ग्रोव, अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन हिम। जैसे ही वो बगीचे में प्रवेश करता है तो एक फूलों बहुत सारे फूल जो होते हैं वो उसके ऊपर गिर जाते हैं। ही स्टॉप्ड एंड ट्राइड टू कलेक्ट ऑल ऑफ देम। फिर वो रुक जाता है और वो उनको इकट्ठा करने की कोशिश करता है। हाउएवर एज सून एज ही हर्ड द कोइंग ऑफ डॉग, और उसके बाद क्या होता है कि कबूतरों की कूकने की आवाज़ वो सुनता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर वो अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे वो चल देता है। ही फॉरगेट अबाउट द फ्लावर्स एंड रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग। द डॉब ही वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड बाय द स्वीटमेट्स फ्लावर्स बेलून्स एंड द ट्रिक ऑफ द स्नैक चार्मर। तो बहुत सारी चीज़ें देखता है वो, स्वीटमेट सेलर की दुकान होती है, मिठाइयाँ देखता है, फ्लावर्स देखता है, बेलून्स देखता है, और एक स्नैक चार्मर होता है, वो बीन बजा रहा होता है। तो उनको सबको देख कर वो फैसिनेटेड होता है, मतलब उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। एज ही एंटर्ड द फेयर ही वॉज बोथ फैसिनेटेड एंड रिपेल्ड बाय द कन्फ्यूजन। मतलब हर चीज़ को देखकर वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और जो भी चीज़ देखता है वो उसको पाने की इच्छा रखता है। ही केप्ट लैगिंग बिहाइंड बिकॉज ही वॉज फैसिनेटेड बाई एवरी अदर थिंग्स ही सो ऑन हिज वे टू द फेयर। तो मतलब रास्ते में जो भी चीज़ देखता है हर चीज़ की तरफ वो अट्रैक्ट होता है और इसलिए वो अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग, वॉट आर दे, वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। मेले में बहुत सारी चीज़ें देखता है और हर चीज़ को पाने का डिजायर करता है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको कोई भी चीज़ नहीं दिलाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है वो आंसर भी नहीं देते हैं उसका, तो वो बिना आंसर के ही वो आगे बढ़ जाता है। द चाइल्ड वॉन्टेड मैनी थिंग्स एट द फेयर, हिज आईज फर्स्ट सेट ऑन द शॉप ऑफ स्वीटमेट सेलर। तो सबसे पहले उसकी जो आँखें होती हैं वो स्वीटमेट सेलर, मतलब मिठाइयों की दुकान पर पड़ती हैं। हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी विच वॉज हिज फेवरेट स्वीट। उसकी जो फेवरेट स्वीट होती है वो बर्फी होती है और उसको देख कर उसकी मुँह में पानी आ जाता है। He knew his plea would not be heeded because his parents would call him greedy. उसको पता है कि उसकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी, उसके पेरेंट्स जो हैं उसको मतलब कहेंगे कि वो लालची है। Therefore he moved on. वो आगे बढ़ जाता है। He then saw a flower seller. He was irresistibly drawn towards the flower and wanted a garland. मतलब वो फ्लावर सेलर को देखता है और
वो जो गार्लैंड होता है, गुलमोहर का गार्लैंड होता है, उसको लेने की वो मतलब इच्छा रखता है। हाउएवर ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज सेइंग दैट दे वर चीप। तो उसके जो पेरेंट्स हैं उसने उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि ये जो है बहुत ज़्यादा चीप है, मतलब अच्छे नहीं है। हेंस ही मूव्ड फर्दर अहेड, उसके बाद वो फिर आगे बढ़ जाता है। ही वॉज देन कैरीड अवे बाय द कलर्स ऑफ डिफरेंट बैलून्स एंड हैड एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू परचेज देम। तो वो बैलून्स देखता है तो उनको पाने की बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा होती है। ही मूव्ड अहेड विदाउट आस्किंग हिज पेरेंट्स एज ही न्यू दैट दे वुड से दैट ही वॉज टू ओल्ड एंड प्ले टू सच टॉयज। और जो उसको पता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसको नहीं दिला के देंगे, तो उसके पेरेंट्स जो कहते हैं कि मतलब वो अब बच्चा थोड़ी है जो बलून से खेलेगा, और ये कहकर वो मना कर देते हैं। ही नेक्स्ट वेंट टूवर्ड्स अ स्नेक चार्मर। हाउएवर नोइंग दैट हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम फ्रॉम हियरिंग सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेयर। तो स्नेक चार्मर को मतलब उसको अच्छा लगता है वो सुनना, लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने उसको मना कर रखा होता है इस तरह के म्यूजिक को सुनने का। ही कैरीड ऑन द बॉय मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर बिकॉज ही न्यू दैट हिज रिक्वेस्ट वुड बी डिनाइड एट ईच स्टेप। और जो लड़का होता है वो बिना आंसर के वो आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी डिमांड है, वो पूरी नहीं की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे? हाउ हैव हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड? तो उसको कब पता चला कि वो खो गया है, फिर उसकी जो चिंता थी और इनसिक्योरिटी थी वो डिस्क्राइब हुई। आफ्टर गेटिंग फैसिनेटेड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स ही फाइनली सेट हिज आईज ऑन अ राउंड अबाउट स्विंग। बहुत सारी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद फाइनली उसकी जो आंखें थी वो एक राउंड अबाउट पर रुक गई, मतलब एक झूला, वो उसकी इच्छा थी उस झूला को झूलने की। ही इंटेंडली वॉच्ड द मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन हु वर इंजॉइंग द राइड। तो वहाँ पर उसने देखा कि बहुत से मैन वीमेन और बच्चे जो हैं वो झूला झूल रहे हैं। ही फाइनली मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट एंड आस्क हिज पेरेंट्स टू लेट हिम राइड द स्विंग। तो उसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की अपने पेरेंट्स से कि वो उनको झूला झूला दें। वेन ही हर्ड नो रिप्लाई ही टर्न अराउंड टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स। और उसके बाद उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं थे। इट वॉज देन दैट ही रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट। और इस तरह से उसको पता चला कि वो अब खो गया है। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट एंड ही सडनली रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। और मतलब वो बहुत ज़्यादा जोर से रोने लगता है, उसका गला सूखने लगता है। अब वो इधर उधर घूमता है, अपने पेरेंट्स को ढूंढता है। ही क्राइड इन रियल फियर एंड कॉल्ड आउट टू हिज पेरेंट्स। टीयर रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हिज फ्लस्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, और उसका जो फेस है वो बिल्कुल मतलब डर उसके फेस पर नज़र आ रहा है। एज ही वॉज पैनिक स्ट्रिकन ही रेन इन ऑल डायरेक्शन सर्चिंग फॉर हिज पेरेंट्स। अब वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और हर डायरेक्शन में अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है। लेटर हिज क्राइज वर सप्रेस इन टू सॉब्स, और उसकी जो चीखें थी अब जो है वो धीरे धीरे सिसकियों में बदल गई। सॉब्स का मतलब होता है सिसकियाँ। ही केप्ट लुकिंग फॉर हिज पेरेंट्स एंड कॉलिंग आउट ऑफ देम। अब वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है और उनको बुला रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर? तो पहले वो सारी चीज़ें लेना चाहता था और उनकी तरफ फैसिनेटेड हो रहा था, लेकिन बाद में जब उसके पेरेंट्स खो गए तो उन सारी चीज़ों की तरफ से जो उसका इंटरेस्ट था वो हट गया। ऐसा क्यों हुआ? द लॉस्ट चाइल्ड इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वॉन्टेड अर्लियर एज ही वॉज लॉस्ट एंड वॉन्टेड टू सी हिज पेरेंट्स इमिजिएटली। अब जो जो चीज़ें थी उनमें उसका पहले से इंटरेस्ट था, लेकिन जब वो उसके पेरेंट्स खो गए तो उनमें से उसका इंटरेस्ट जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब वो सिर्फ अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है। द मैन हु सॉ दैट ही वॉज लॉस्ट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट हिज अटेंशन सो दैट ही वुड नॉट पैनिक। अब जो मैन था वो उसको मतलब डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसका जो ध्यान था वो वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसको सारी चीज़ें ऑफर कर रहा था। ही ट्राइड सो सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। तो वो जो था वो उसको राउंड अबाउट के पास ले गया, मतलब वो झूले के पास ले गया। बट द चाइल्ड रिफ्यूज आस्किंग फॉर दैम फॉर ओनली हिज पेरेंट्स, लेकिन उसने बच्चे ने वो मना कर दिया क्योंकि उसको उस समय उसके सिर्फ पेरेंट्स चाहिए थे। द मैन देन आस्क्ड द चाइल्ड टू लिसन टू द म्यूजिक प्लेड बाय द स्नेक चार्मर। अब जो मैन था
वो उसको स्नेक चार्मर के पास ले गया म्यूजिक सुनने के लिए। हाउ एवर द चाइल्ड शट हिज ईयर्स एंड शाउटेड दैट ही वॉन्टेड हिज पेरेंट्स। और बच्चे ने क्या किया, अपने जो दोनों कान थे वो बंद कर लिए और उसने कहा कि मुझे सिर्फ मेरे पेरेंट्स चाहिए। देन द मैन आस्ड इफ ही वॉन्टेड अ बलून्स बट द चाइल्ड्स रिप्लाई वॉज द सेम। उसने फिर बलून्स के लिए पूछा लेकिन बच्चे ने वही रिप्लाई दिया। द मैन स्टिल कीप ट्राइंग टू मेक हिम हैप्पी एंड आस्ड इफ ही वॉन्टेड अ गार्लेंट टू पुट अराउंड हिज नेक। अब उसने कोशिश की कि वो गार्लेंट ले ले कि अपने गले में वो माला डाले। ही ऑल्सो टुक हिम टू द स्वीटमेट शॉप और उसको जो मिठाइयों की दुकान थी वहाँ भी वो लेके गया। हाउ एवर द चाइल्ड्स आंसर टू ऑल हिज क्वेश्चन वॉज द सेम। मतलब हर क्वेश्चन में वो जो भी चीज़ें ऑफर कर रहा था, हर क्वेश्चन में उसका जो आंसर था वो बिल्कुल सेम था। ही ओनली वॉन्टेड टू सी हिज पेरेंट्स, वह सिर्फ अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता था। ही हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग बिकॉज ही वॉन्टेड ओनली वन थिंग। मतलब जितनी भी चीज़ें थी हर चीज़ में उसने इंटरेस्ट खो दिया क्योंकि उसे केवल एक ही चीज़ चाहिए थी। ही वॉन्टेड टू बी विद हिज पेरेंट्स, उसको केवल उसके पेरेंट्स चाहिए थे। सिंस ही वॉज लॉस्ट नथिंग एल्स प्लीज्ड हिम, और बाकी जो चीज़ें थी कोई भी चीज़ थी वो उसको खुश नहीं कर सकती थी। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक हैपन इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। मतलब क्या लगता है लास्ट में बच्चे को उसके पेरेंट्स मिले या नहीं मिले। इट सीम्स दैट द चाइल्ड वुड हैव इवेंचुअली फाउंड हिज पेरेंट्स विद द हेल्प ऑफ द मैन। मतलब ऐसा लगता है कि बच्चे को, मतलब फाइनली उसको बच्चे को उसके पेरेंट्स मिल गए उस आदमी की मदद से। द मैन वुड हैव मैनेज टू काम हिम डाउन, मतलब जो आदमी था उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की उसको शांत कराने की। ही वॉज रिलाइवर एंड गुड नेचर्ड एज ही is evident in the story in the many ways in which he tried to help the child। मतलब जो व्यक्ति था वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड था, गुड नेचर था, और जैसा कि स्टोरी में बताया गया है, और उसने उस बच्चे की बहुत कोशिश की, मतलब हेल्प की थी। He would have asked the child for a description of his parents and would have finally helped him locate them। Finally क्या हुआ था कि उसने उस बच्चे की हेल्प की उसको पेरेंट्स को ढूंढने में। ठीक है, चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।